वो कैसे होती है और हमें वहां पर कैसे चीजों को मैनेज और कैसी चीजों को डेवलप वो करना है इस मकसद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये होगी कि हम इमोशनल कल्चर के तमाम तरह तमामस्पेक्टिव्स को वो जान सकें और हम ये बात जान सकें कि कल्चरल डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल कंसर्न वो किस तरह से हो सकता है इस मकसद के लिए सबसे अहम चीज है कि सबसे पहले हम कॉर्पोरेट कल्चर को समझें बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर के जितने भी वैल्यूज हैं जितनी भी डायमेंशन हैं वो हमारे लिए इस बात के लिए मशले रहा होंगी कि लोगों के नॉर्म्स वैल्यूज किस तरह से डेवलप करनी है वहां पर ग्रुप फॉर्मिंग प्रस्पेक्टिव और प्रैक्टिस कैसी होंगी लोग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग से गुजरकर परफॉर्मिंग की तरफ कैसे जाएंगे सो कॉरपोरेट कल्चर में याद रखिएगा कि द कॉरपोरेट कल्चर इज द शेयर्ड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज नॉर्म्स आर्टिफेक्ट एंड दैट सर्व एज ए गाइड फॉर ग्रुप टू थ्राइव

एंड कैपेबिलिटीज वहां पर रिस्क टेकिंग प्रस्पेक्टिव इन तमाम चीजों को हमें बड़ा क्लियरली वो सोचना है और यह भी चीज सोचनी है कि इन तमाम कल्चरल डायमेंशन का लोगों के ऊपर क्या असरा मुरतब होंगे ऑब्वियसली उस कल्चर के अंदर डिफरेंट मिथ्स भी होंगे डिफरेंट स्टोरीज भी होंगी वैल्यू सिस्टम्स भी होंगे पैराडम शिफ्ट भी होंगे उन तमाम चीजों को भी समझना हमारे लिए जरूरी है वहां के नॉर्म्स क्या हैं, वहां के आर्टिफैक्ट्स क्या हैं वहां के सिग्नेचर्स क्या हैं, ये तमाम चीजें लोगों के परस्पेक्टिव में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है बिकॉज लोगों के ऊपर डायरेक्टली इन चीजों का इफेक्ट वो हो रहा होगा द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉग्नेटिव कल्चर

हमें इमोशनल कल्चर के फैक्टर्स को भी सोचना है और इमोशनल कल्चर से मुराद है दैट इमोशंस पीपल हैव एंड एक्सप्रेस एट वर्क वंस दे आर बेटर ऑफ सो कहां पर कौन कौन सी बातें अलाउड हैं कहां पर किन चीजों को हमें सुप्रेस करना है जिनकी डिमोन्स्ट्रेशन अलाउड नहीं होगी उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी उसके लिए हमें अपने एटीट्यूड को डेवलप करने की जरूरत होगी उसके लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी को अपनी जॉब के साथ एसोसिएट और फिट क्रिएट करने की जरूरत वो होगी सो एक कॉर्पोरेट कल्चर एक कॉग्नेटिव कल्चर और वहां का इमोशनल कल्चर ये सब चीजें मिलकर इस बात को डिटरमिन करेंगी कि वहां का ओवरऑल इन्वायरमेंट वो कैसा है एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि कॉग्नेटिव कल्चर इज ऑफन कन्वेड वर्बली वेयर एज इमोशनल कल्चर टेंस टू बी कन्वेड थ्रू नॉन वर्बल क्यूज बिकॉज बहुत सी बातें बहुत से एस्पेक्ट जो हैं दे आर नॉट सपोजिटली डिमोन्स्ट्रेटेड ऑन अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और ऑन अ नोटिस बोर्ड बहुत सी चीजें हैं विच आर प्रीवेलेंट इन द थिन एयर और वहां पर हमें समझना होगा कि व्हाट शुड बी अवर बेटर कंडक्ट देयरफॉर जब हम इमोशनल कल्चर की बात करते हैं तो याद रखें कि इमोशनल कल्चर इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन, बर्नआउट टीम वर्क फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इवन एब्सेंटिज्म हमें अब इस बात से अंदाजा हो रहा है कि किस कदर इंपॉर्टेंट होगा इमोशनल कल्चर को अंडरस्टैंड करना बिकॉज़ हमारी सेटिस्फेक्शन हमारा बर्नआउट हमारा टीम वर्क हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उन का ये मिन्नत है हमारे इमोशनल कल्चर के हवाले से Secondly, याद रखिएगा कि पॉजिटिव इमोशंस आर कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विद बेटर परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस और ये बात अक्सर डिस्कस की जाती है रिसर्च के एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं कि अ सेटिस कैन बी द सोर्स ऑफ अ कस्टमर तो कस्टमर सर्विसेज के हवाले से भी अगर हम अपने एम्प्लॉय की डेवलपमेंट ऑफ इमोशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो दे वुड नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेटर इमोशनल लेबर और उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी की वजह सेन लीड टू पुअर परफॉर्मेंस एंड हाई टर्न ओवर अब हमें यह भी देखना है कि ह्यूमन आउटपुट के, के तौर पर अगर हम टर्न ओवर और लो परफॉर्मेंस वैल्यूज को ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें लोगों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ओवरकम वो करना पड़ेगा हमें उनके एंगर सैडनेस को एड्रेस वो करना पड़ेगा हमें उनको फियर ऑफ द अननोन से निकालना होगा जिसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा कि आपके इंप्लाइज आपके साथ एंगेज इन्वॉल्व कमिटेड वो रह सकें इमोशनल कल्चर के हवाले से हमने अभी पॉइंट्स गो थ्रू किए जिसमें कि जिसमेंटिव कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर जैसे एस्पेक्ट्स जो थे देवर डिस्कस्ड एंड एट द सेम टाइम डिस्कस्ट विद यू कल्चरल इंटेलिजेंस की भी जरूरत है जिसमें कि हम ये जान सकें कि जहां पर हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां का वैल्यू सिस्टम वो क्या है वहां पर लोगों के नॉर्म्स वो क्या हैं, ताकि उसके मुताबिक हम लोगों को गाइड एंड ट्रेन एंड डेवलप वो कर सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कल्चरल ओरिएंटेशन का होना बहुत जरूरी है और कल्चरल डायमेंशन और कल्चरल वैल्यूज को जाने बगैर हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम लोगों की डेवलपमेंट ऑफ थॉट और इमोशनल डेमोन्स्ट्रेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें